लड़ाई लंबी है, हमें भी पता है, हमें पता है लंबी है लड़ाई, लड़ेंगे कोई बात नहीं, भगवान ने जिंदा रखा तो लड़ेंगे, हर किसी का राइट है लड़ाई लड़ना। और हम इतने पढ़ लिख के अगर हम तमाशा देखने वालों में बनेंगे, दलित भाई पूरे हरियाणा में अगर ये पांच छह भी खड़े हैं, पांच छह छठा हुआ, मैं कहती हूँ हाथ जोड़कर, मैं बोलती हूँ सबको सपोर्ट करिए, अपने समाज को तोड़ने की बात ना करिए, जोड़ने की बात करिए, और सबको मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के, जहां पे मेरे भाई खड़े हो ना भाई, हार जीत किस्मत की, लड़ाई लड़ने आए हैं भाई, इससे हिम्मत की कोई बात नहीं होती, किसी में ना नॉमिनेशन करने की हिम्मत नहीं होती, जहां पे भी जो दलित खड़ा है आप उसका सपोर्ट करिए, उसको दिल खोल के सपोर्ट करिए। और मैं कहती हूँ अगर दलित दलित इकट्ठे हो जाए ना, तो देश का प्रधानमंत्री, देश का राज्य का मुख्यमंत्री और हर पोस्ट होगी, लेकिन वो इस पार्टी देखिए सारी वीडियो लाइव है भाई, है ना, आप उस वीडियो को, वो प्रोग्राम जिसने कवर किया है और जो एडिट करके ना वीडियो आई हुई है, उसमें मैं भी साथ में खड़ी हूँ। हालांकि हम तो कुछ और सोच के गए थे, हमें दुख ये हुआ कि जो एडिटेड वीडियो है ना उनमें मैं भी खड़ी हूँ, लेकिन जो विचार पेश किए जा रहे थे, जो कसमें खिलाई जा रही थी, वो सबको पता है किसको समर्थन देने की बात कर रही थी, लेकिन मुझे देखा कि वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और साइड में मैं भी खड़ी हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए लोग तो ये सोच रहे हैं सी इज कैंडिडेट, ये ऑलरेडी कैंडिडेट है और ये तो किसी और के समर्थन देने की बात कर रही है, हो सकता हमारे बारे में भी एक गलत भरम जाए लोगों के बीच में, जनता के। तो हमें तो जब मैंने देखी बहुत सारे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में वो एडिटेड वीडियो देखी और मैं खड़ी थी और मैंने कहा कि यार व्हाट इज दिस, आई डोंट बिलीव दैट, हाउ इज पॉसिबल, इट्स वेरी शॉकिंग, कि मैंने कहा कि यार ये तो पूरा 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 जोर शोर से किसको समर्थन देने की बात करें और हम तो कैंडिडेट साइड में खड़े हैं, कि तो लोगों में हमारे बारे में भी गलत चीजें आएगी ना, तो सबको पता है किसको समर्थन हुआ किसका विरोध हुआ, मेरे मुंह से ना बुलवाइए। लेकिन मैं एक चीज, हाँ बोलिए बोलिए सवाल है आपका, कई 22 से कई 23 से कई 25 से दलित समाज का, दलित समाज का, आप अभी डीएससी की बात करो, चार कैंडिडेट, आप चार पांच कैंडिडेट, हाँ ना मैं यार तो डीएससी के, क्या वो पूरा दलित समाज इनको वो सपोर्ट करेगा, क्यों करेगा? देखो हम ना तो हम जो देखो डीएससी ठीक है लागू कराए, हम दलितों को पाड़ने की बात नहीं कर रहे और ना हम कंट्रावर्सी क्रिएट कर रहे और ना हमारी स्पीच कंट्रावर्सी कर रही है, ध्यान रखना हम नहीं करे, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड है लागू करे, हम दलितों को पाड़ने की बात ही नहीं कर रहे और ना हम कोई वोट बैंक हाईजैक करने की बात कर रहे, ये तो जो बात करे ना ये सवाल आप उनसे करें। तो मैम अभी आपने ये बोला डीएससी की, डीएससी को मजबूत करो, आपने वहां भी ये बोला कि डीएससी को, हां 41 कास्ट आती है डीएससी में, 41 कम्युनिटीज आती है जो अति पिछड़ा वंचित समाज है, आप ऑर्डर पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है डीपली, उसमें वो लोग है जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, जिन तक आरक्षण की हवा भी नहीं पहुंची है, जो ये उनके लिए है, और इसमें ये क्या है भाई, जो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सोचना चाहिए जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत ही गरीब है, एजुकेटेड है, लेकिन आरक्षण को उनको फायदा नहीं पहुंचा, ये उनके लिए है, क्या जो जिनको आरक्षण का फायदा मिल चुका है क्या वो नहीं चाहते कि जो अति पिछड़े वंचित लोग उनको फायदा मिले? तो हाँ ये चीज है, हम चाहे इसमें कोई भी हो, अब बात कर लेते हम चमार भाइयों की, ये उनके लिए भी है, अगर उनमें कोई गरीब है अति पिछड़ा वंचित है, हम चाहते हैं भाई उसको भी आरक्षण मिले, ये सबके लिए। मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, अगर चमार कम्युनिटी में भी कोई बिल्कुल गरीब अति पिछड़ा, ये उस पर भी लागू है, आप एक चीज बताने रूल पढ़ लीजिए। मैम अभी इसमें ये बात नहीं कही हुई, आपने ये बात कही जो डीएससी समाज से उम्मीदवार खड़ा आप उसको सपोर्ट करो, आपने ये नहीं बोला एक बार भी कि जो दलित समाज से जहाँ भी व्यक्ति, मैं तो सुनो मेरी बात, वहां पे ये चीज जब सम्मेलन हुआ तो इन्होंने कहा कि जो डीएससी की तरफ से खड़े हैं, तो एक दो ने बोला कि उनको समर्थन करेंगे ये करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, हम दलित समाज से आते हैं राइट, आते हैं तो हम तो पूरे संपूर्ण दलित की बात, हमने कोई वर्गीकरण का ये करका ठीक है लागू करो, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है लागू करिए ना, हम दलितों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन होते दलितों को तोड़ने वाले, ठीक है हम तो खुद संविधान को, हम हर इंसान को कहते क्या फॉलो करिए, हम तो कहते ठीक है भाई आप लड़िए, सबका अधिकार है, जो गरीब है पिछड़ा है, मैं ये नहीं कहती कि डीएससी का, मैं कहती बहुत सारे ऐसे जनरल कम्युनिटी में भी ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे कहेंगे कि यार बहुत गरीब है बहुत पिछड़े वर्ग से इसको फायदा मिले,
हम ये क्यों कहे कि यही 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 बोल रहे हैं। बहुत सारे जहाँ जर्नल में क्या गरीब नहीं होते भाई, जर्नल में क्या क्या पुअर्टी नहीं होती। बात आरक्षण की, सोशल इक्विटी की, ठीक है भाई अब सबको इक्वल दीजिए। बात यहाँ पर चल रही है स्पेसिफिक एक पार्टी को समर्पित प्रोग्राम, जिसका हमने जो हमारे माइंड को दिल को जिससे ठेस पहुंची है। हम कहते कि सभी में तो हाथ जोड़ के सभी दलित भाई एक रहे, इकट्ठे रहे और नाम तोड़ने की बात करते हैं ना। और डीएससी में तो कहते जिसकी भी सरकार रही झंडे के अंदर लागू करवा लियो भाई, और बोलिए करवाऊ भाई, हम साथ है, हम चाहते हैं। क्या नाम है, क्या कौन क्या नाम है, मुझे इसमें इसमें नहीं है, क्या नाम है, बिल्कुल कहेंगे जहाँ पे भी खड़ा भाई। जर्नल गेट पे मैं फिर से कह रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ, जहाँ पे भी वो दलित खड़ा है, दलित भाई पूरे हरियाणा में, अगर ये पांच छह भी खड़े हैं, पांच छह में छठा हुआ, मैं कहती हाथ जोड़कर मैं बोलती हूँ सबको सपोर्ट करिए, अपने समाज को तोड़ने की बात ना करिए, जोड़ने की बात करिए। और सबको मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के, जहां पे मेरे भाई खड़े हो ना भाई, हार जीत किस्मत की, लड़ाई लड़ने आए हैं भाई, इससे हिम्मत की कोई बात नहीं होती, किसी में ना नॉमिनेशन करने की हिम्मत नहीं होती। जहां पे भी जो दलित खड़ा आप उसका सपोर्ट करिए, उसको दिल खोल के सपोर्ट करिए। और मैं कहती हूँ अगर दलित दलित इकट्ठे हो जाए ना, तो देश का प्रधानमंत्री, देश का राज्य का मुख्यमंत्री और हर पोस्ट होगी, लेकिन वो यूनिटी पे होगी, डाइवर्शन पे नहीं होगी, ध्यान रखना। और कहते ना संगठित नहीं रहोगे बटोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता, लड़ाई लंबी, हमें भी पता है, हमें पता है लंबी है लड़ाई, लड़ेंगे कोई बात नहीं, भगवान ने जिंदा रखा तो लड़ेंगे, हर किसी का राइट है लड़ाई लड़ना। और हम इतने पढ़ लिख के अगर हम तमाशा देखने वालों में बनेंगे तो फिर शोषण 80 साल से हो रहा था भाई, होता ही रहेगा, ध्यान रखें। एक बार बाबा साहब ने भी ये बात कही थी, आप लेने वाले ना बनो, आप देने वाले बनो, जैसे आप वर्गीकरण में उतरे होगे तो आप लेने वाले रहोगे। मैं तो कहती हूँ जहाँ पे मैं खुद कह रही हूँ, जहाँ पे भी है, मैं तो अभी तो चार पांच ही खड़े हैं, मैं तो कहती हूँ हर सीट पे खड़े हो भाई और करो समर्थन, सब यूनिटी में आओ। सारी चीजें गई यार एक तरफ, सब यूनिटी में आओ। मैं कहती 17 को छोड़ के 73 में सब जगह खड़े, यूनिटी में आओ, एटलीस्ट जीतेगा, नहीं तो एक मैसेज तो कन्वे होगा कि लोग खड़े होना सीख गए। अब तुम खड़े होना ही नहीं सीखोगे तो कौन आप लोगों के पास आएगा। आप यूनिटी दिखाइए, आप संगठित रहिए, ठीक आप संघर्ष करिए। अरे बाबा साहब को हम फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज पे चलिए। काशीराम ने कभी ना जर्नल सीट पे नहीं लड़ा, आपको बताना चाहती हूँ, पहली बार लड़ी मात्र हजारों में नहीं, सैकड़ों में वोट आई थी। और वो दूसरी बार, वो कहते हैं ना पहला लड़ो अपना पहचान के लिए, दूसरे फिर दूसरा दूसरे को हराने के लिए, तीसरा जीतने, वो पांच चुनाव में से तीन हारे दो जीते, तो उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी ये मुहिम चलाई थी कि समाज पे जो मोहर लगी हुई है ना, जो आपको मैं बताना चाहती हूँ बिकने वाले, उस मुहिम के उन्होंने SC BC ST सब संगठित किया था, उन्होंने संघर्ष किया भाई हम भी कर लेंगे, ठीक है आज कामयाबी नहीं मिल जाएगी, जब मिलेगी संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे, हर किसी की उठाएंगे। और बोलिए काशीराम, ये भी बातें कही थी कि आप संगठित रहना, आपकी बात को बड़ी बड़ी पार्टियां तोड़ने का काम करेंगी, लेकिन आप कर रही है भाई तोड़ने का।